हमारे जो विधायक बंद है 3 बार से यहाँ, श्री नाहिद हसन जी जो कैराना से विधायक हैं, तीसरी बार के विधायक हैं, उनको जेल में परेशान किया जा रहा है। इन शिकायतों को लेकर के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक कमेटी गठित की है। गैंगस्टर के मुकदमे में 40 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दिखाई गई है, जिसमें 38 की जमानत हो चुकी है, लेकिन इनकी और इनकी माँ को की जमानत नहीं मिल पा रही है। जानबूझ करके परेशान किया जा रहा है। 406 जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है केस, उसमें जमानत मिल जाएगी खाली 2 मुकदमे में इनको यहाँ। और आज तक 6 महीने 23 दिन गुजर गए चुनाव घोषित हुए, आज तक इनको ओथ नहीं कराई गई। पूरी तौर से सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पूरी तरह से इनको प्रताड़ित करने में, परेशान करने में लगे हुए हैं। सदस्यता चली जाएगी अगर उनकी शपथ नहीं कराएगी, शपथ भी नहीं करा रहे। डॉक्टर को, कैंसर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बुला करके उनकी जांच कराएं और जांच करा करके उनको अस्पताल भेजें जिससे उनका इलाज हो सके। सरकार पूरी तौर से उत्पीड़न की कार्रवाई कर रही है और खासतौर से समाजवादी पार्टी के लोगों को। समाजवादी अभी झांसी में क्या हुआ, झांसी में किस तरह से जो पूर्व विधायक है दीप नारायण यादव जी को कैसे फंसाया गया, जिनका दूर दूर तक कोई मतलब नहीं था, वहां थे नहीं, मौके में थे नहीं। पूरी तौर से ये सरकार समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं, सांसद हैं या पूर्व विधायक हैं, सांसद, अब उनकी माँ जो तबस्सुम हसन जी 2 बार की सांसद, उनको मिलने तक नहीं दिया गया। 1 तारीख को आई थी मिलने के लिए,